पास हो जाएगा। अबे लोग जाएं बाढ़ में सर, वहां क्या करेंगे, गोली मार देंगे वो तो, हवा देख ले भैया, अबे तुमने मेहनत ही तो गलत जगह कर ली। सर बहुत डर लग रहा है सर, 10वीं का पेपर अच्छा नहीं गया, फेल हो जाएंगे। अबे 10वीं तुम्हारी जिंदगी नहीं है, फेल हो जाओगे तो टेंशन मत लो, दुखी मत हो, एक पेपर बिगड़ा है ना, चल पास हो जाएगा। दो पेपर बिगड़े हैं, चल कोई बात नहीं, सप्लीमेंट ही आएगी, सप्लीमेंट ही दे देना। सर तीन पेपर बिगड़े हैं तो भी टेंशन मत ले यार, अगले साल पढ़ लेना। सर लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे तो बहुत शर्म आएगी, लोगों लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अबे लोग जाएं बाढ़ में, तू अपनी जिंदगी देखना, तीन पेपर में फेल हुआ है ना, उन तीन पेपर को थोड़ा फोकस कर ले, पास हो जाएगा। एक साल ही तो बिगड़ रही जिंदगी, एक साल से ज्यादा मड़के नहीं है, जिंदगी में फोकस करो। सर मैं क्या करूं, मेरा दिमाग ही नहीं चलता, याद ही नहीं होता, मैंने साल भर पढ़ी फिर भी फेल हो गया। तो भी चिंता मत कर, दिमाग खोलने के बहुत सारे तरीके मेरे पास है, दिमाग बढ़ाने के। दिमाग अगर खोलना है तो शर्म बहुत जरूरी है, और जो तुम्हें आ रही है, अगर तुम्हारे परसेंटेज भी कम बन रहा है तो भी मत डर, शर्म आ रही है ना, शर्म से दिमाग खुल जाएगा। अब सर खोलने के लिए कोई जड़ी बूटी है क्या? हाँ बहुत सारी जड़ी बूटी है। तुम्हारे गांव में पुलिस स्टेशन स्टेशन है, वहां चले जाओ। सर वहां क्या करेंगे, गोली मार देंगे वो। अरे गोली नहीं मारेंगे, उनसे बात करना, उनकी क्रियाशैली को देखना, किसी से कांस्टेबल से बात करना, एसआई से बात करने की कोशिश करना, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना अनुशासन होता है। किसी साइंटिस्ट से मिलो। सर ना हमारे गांव में साइंटिस्ट है, ना हमारे गांव में पुलिस स्टेशन है। भाई खेत है तुम्हारे गांव में, किसान कैसे मेहनत कर रहा है जाके देखो, कितनी मेहनत करके वो फसल उगाता है। आपके गांव में ना खेत है, बंजर है, आप तो सर हम पहाड़ पे बैठे हो, आप वहां चारों तरफ हवा हवा है और कुछ नहीं, तो हवा देख ले भैया, हवा दिन भर चलती है, कभी रुकती नहीं है, हवा देख के मेहनत कर। इंसान, भगवान ने इंसान को मेहनत करने के लिए बनाया है। सर हम मेहनत तो खूब करते हैं पर मन नहीं लगता है, तो भी न करना यार, मेहनत करने का तरीका नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। कोर्ट जाओ, वहां के लोग कैसे मेहनत करते हैं, व्यवस्थित बैठते हैं, सुबह से उठते हैं, ऐसे मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ा सा गुटखा खाया, चिलम फूका और घूम रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, घर आ रहे हैं, और थोड़ा सा पढ़ाई कर ली, थोड़ा सा चुटका बन। सर मैंने मेहनत बहुत करी थी, सर मैंने चुटका बनाने में बहुत मेहनत करी थी पर वो क्वेश्चन नहीं आया। अब ये गधे, तुमने मेहनत ही तो गलत जगह कर ली, अब गधों जैसी मेहनत करोगे और बनना शेर रहते, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो शेर बनना है तो शेर जैसी मेहनत करो, अच्छे से सो, पहले नींद पूरी लो और फिर प्लानिंग करके मेहनत करो। अब आपके मन में प्रश्न है, सर ठीक है ये बातें तो हो गई आपकी, अब मैं करूं क्या, 10वीं तो हो गई मेरी, तो गर्मियों की छुट्टी में पुलिस स्टेशन, किसी इंजीनियर से मिलो, पटवारियों से मिलो, आसपास के जज या थाने में जाइए, इसके साथ साथ नगर पालिका है तो वहां पर जाइए, किसी लाइब्रेरी का भ्रमण कीजिए, कलेक्टर ऑफिस को जाइए तो वहां के बहुत सारे कर्मचारी वहां होते हैं, बड़े स्कूल या बड़े कॉलेज को जाइए, किसी फैक्ट्री को जाइए, किसी अकाउंटेंट के पास जाइए जो बड़ी कंपनियों को देता है, इसके साथ साथ आप रोड पर अन्य लोगों से मिलिए, मार्केट में भ्रमण कीजिए, इसके साथ साथ और क्या क्या, दुकानों पर काम कीजिए, किसी बड़े घर के व्यक्ति के घर में झाड़ू लगाने का काम करने को मिले तो भी करिए, क्योंकि शर्म आएगी दिमाग खुलेगा। आप खुद की दुकान पे काम करेंगे, शर्म आएगी दिमाग खुलेगा, जितनी शर्म आएगी उतना दिमाग खुलेगा। मेरे कई अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनके पापा कोई रोड पर ठेला लगाते हैं, तो वो पापा की हेल्प करते हैं ठेला लगाने में। मैंने उससे पूछा, सर हमारे क्यों जाएगी सर शर्म, मेरे पापा का काम है। तो पहली बात तो शर्म आनी नहीं चाहिए, और आ रही है तो ये तुम्हारे दिमाग के लिए खोलेगी, जितनी शर्म आ रही आने दो उतना ही दिमाग आपका खोलेगा। शर्म बहुत जरूरी है दिमाग खोलने के लिए, और शर्म नहीं है तो आप भ्रम में ही रहोगे, और भ्रम रहेगा तो आपको जीव पढ़ोगे, आपको पेपर में लगेगा कि दोनों ऑप्शन में से ये ऑप्शन सही है कि ये ऑप्शन सही है। तो जितनी शर्म उतना दूर भ्रम, जितनी शर्म उतना दूर भ्रम। भ्रम दूर करना है, दिमाग को बढ़ाना है, तो शर्म खाओ और ऐसे काम भी करो जो सही है पर करने में शर्म आ रही है। अब ऐसा नहीं सर गलत काम है करने में शर्म आ रही तो करूं क्या, बेटा गलत नहीं करना है, अच्छे काम में शर्म आ रही तो करना है, दिमाग खुलेगा, ठीक है ना। इतना ही, थैंक यू।